दसवीं पास बहू। काजल की शादी सुमित के साथ हो गई। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो, पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान है, उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी, पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त, काजल ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू, आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। ओह आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है, क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं नहीं दोस्त, वो बात नहीं है, एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? सुमित आजकल के जमाने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत ज़रूरी लगता है। अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा अब घर के इतने सारे काम जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है, अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते। और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है, मम्मी पापा हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर कुछ होगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। एक महीने के बाद, मम्मी जी मुझे 10वीं का एग्जाम देना था लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ बेटा बताओ मुझे। मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद, मैंने कहा था ना इसे अपने मन की कर लेने दो, हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती, अब प्रेग्नेंट हो गई है पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना तो मैंने काजल का चेहरा देखा था, वो बहुत उदास हो गई थी, शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा हमने तो परमिशन भी दे दी ना, अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी। मम्मी मैं भी चाहता हूँ कि काजल 10वीं पास करे और अपनी जिंदगी में कुछ बन जाए। लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं, वो माँ बनने वाली है, उसे नहीं हो पाएगा। एक सप्ताह के बाद, मम्मी मैंने सोच लिया है कि काजल 10वीं पास करके ही रहेगी, मैंने अपनी कंपनी में 3 महीने की छुट्टी डाल दी है। अरे लेकिन क्यों बेटा, तुमने 3 महीने की छुट्टी क्यों डाल दी, एग्जाम तो काजल को देना है तुम्हें नहीं? और तुम्हारे छुट्टी लेने से क्या होगा, पढ़ाई तो काजल को करनी है ना। देखो मम्मी उसकी तबीयत और घर के काम इन सब के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाती, तो अगले 3 महीने के लिए जो भी काम काजल करती है वो सब मैं करूंगा। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि काजल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बिल्कुल मम्मी, एक बार अगर अपनी बीवी की मदद नहीं की तो जिंदगी में फिर क्या किया। अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ सोच सकता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बात तो आपकी सही है, ठीक है बेटा तू मेहनत करके काजल को पढ़ाने लिखाने का काम कर, घर की जिम्मेदारी मेरी। और देखो बेटा
रही बात तुम्हारी नौकरी से छुट्टी लेने की, तो कुछ दिन मैं अपनी दुकान पर जमकर काम करूंगा ताकि हमें पैसों की कोई परेशानी ना आए। ये हुई ना बात, आपके जैसे मम्मी पापा हो तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसका आप लोगों की जैसा परिवार हो जी, उसे तो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिएगा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी जी। 3 महीने बाद काजल की एग्जाम भी हो जाती है और उसके रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। अरे बेटा जल्दी देखो, हमारी बहू पास तो हो गई ना। अब हम सब ने मिलकर काजल के एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया बेटा, ये सिर्फ उसका नहीं हम सबका रिजल्ट है। लेकिन मम्मी उसका रोल नंबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। आप सबसे पहले थर्ड डिवीजन और फिर सेकंड डिवीजन में देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं सकती थी जी। अरे वही तो कर रहा हूँ काजल, तुम्हारा नाम तो फर्स्ट डिवीजन में भी नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारी बहू 10वीं में फेल हो गई। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, हम सब ने तो उसका पूरे मन से साथ दिया था और मैंने तो 3 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। लगता है मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही नहीं है जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी जी। तभी अचानक सुमित की नजर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट पर पड़ती है। अरे काजल, तुम्हारा नाम तो मेरिट की लिस्ट में है, देखो यहाँ तुमने चेक ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बहू का 10वीं के मेरिट लिस्ट में नाम। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, हम सबकी मेहनत रंग लाई। मेरिट में मैं अकेली नहीं, मम्मी जी, पापा जी, सुमित जी, हम सब आए हैं और ये आने वाला बच्चा भी, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी ने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। लेकिन इस सब के पीछे आप लोगों का पूरा सपोर्ट और मेहनत थी जी, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अभी रिजल्ट को आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि काजल के पास एक फोन आता है। आपके मेरिट में आने की वजह से हमारी कंपनी आपको एक जॉब और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है। थैंक यू सो मच जी। इतना कहकर काजल फोन रख देती है और ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। अब देखना, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा मेरी बीवी 9th पास नहीं टॉपर है, टॉपर। और मैं भी सबको कहूंगी कि मेरी बहू सुंदर भी है, घर के काम भी कर लेती है और 10वीं पास भी है, और अब तो उसके हाथ में बढ़िया नौकरी और पैसे भी है।